पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की ली बैठक। प्रदेश में बंद 36 होटल इकाइयों को अब विभाग देगा लीज पर। पर्यटन विभाग को घाटे से उबारने का बना रोड मैप। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार 13 जुलाई को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इसमें डोटासरा ने कहा, राजस्थान में पर्यटन के हिसाब से अपार संभावनाएं हैं। विभाग की ओर से लगातार पर्यटकों को लुभाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं, इससे घाटे में चल रही इकाइयों की आमदनी भी अनलॉक हो सकेगी। अधिकारियों से चर्चा के दौरान निर्णय हुआ कि प्रदेश में लंबे समय से घाटे की वजह से बंद 36 होटल इकाइयों को अब लीज पर दिया जाएगा, इससे इनके निर्माण की सार्थकता पूरी हो सकेगी। इस दौरान अधिकारियों की ओर से बिग डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सामने दिया गया। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 36 इकाइयों को लीज पर देने के लिए सभी जिलों में से 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, संबंधित जिले के कोषाधिकारी व पर्यटन विभाग के अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति आगामी 15 दिन में लीज राशि का निर्धारण कर रिपोर्ट पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को देगी। मंत्री डोटासरा ने बताया कि कमेटी की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर, जिला स्तरीय दर, पर्यटन की संभावनाओं सहित अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पर्यटन भवन जयपुर में पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित शासन सचिव गायत्री राठौर, पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन, आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक निकिया गोहायन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।